नमस्कार, प्रणाम साथी। और पॉकेट नॉवेल क्या होता है? एज ए राइटर आपको पॉकेट नॉवेल लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? इनका स्कोप कैसा है? क्या पॉकेट नॉवेल मार्केट में एक इमर्जिंग जेनरे के तौर पे सामने आ रहे हैं? इन सब बातों को डिस्कस करते हैं। और क्या आपके लिए पॉकेट नॉवेल लिखना ठीक रहेगा? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिशनल जो रीडिंग होती है उसमें हम नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल और एकेडमिक बुक्स अगर प्रोफेशन से रिलेटेड होती हैं। तो अब वैसे अब नहीं, काफ़ी पुराना ये ट्रेंड है कि पॉकेट नॉवेल लिखे जाते हैं। तो आजकल भी कुछ लोग पॉकेट नॉवेल लिखते हैं। तो पॉकेट नॉवेल होते क्या हैं? कुछ अपनी स्टोरी को एक छोटी सी किताब के रूप में पब्लिश कर देना। जैसे जनरली किताबें बड़े साइज में पब्लिश होती हैं, यू ऑल नो अबाउट दैट, कि 6, 9, 5, 8 इस तरह के साइज में पब्लिश होती हैं। लेकिन पॉकेट नॉवेल एक छोटी सी किताब के एक गुटका के फॉर्म में पब्लिश कराया जाता है। तो इसमें जो स्टोरी होती है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, और ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप उस बुक को ले लो और कुछ एक घंटे में ही पढ़ के ख़त्म कर दो। और वो ऐसी होती है कि आप, जैसे कि नाम से पॉकेट नॉवेल, आप उसको अपनी जेब में भी डाल सकते हो। जबकि बड़ी बुकों को, जो थोड़ा बड़ी बुक्स होती हैं, उनको जेब में डालना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए चला है कि फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जहाँ टाइम की कमी रहती है, तो कई बार कोई बुक पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है तो वो छोटी किताब ले ले, एक स्टोरी ले जो उस पॉकेट नॉवेल के फॉर्म में है, और उसको अपना चलते हुए कहीं भी ट्रेवल करते हुए पढ़ सके और जेब में डाल के उसको ले जा सके। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था, इसलिए पॉकेट नॉवेल की शुरुआत हुई थी। हमारे देश में अभी भी काफ़ी लोग लिखते हैं पॉकेट नॉवेल, और कई बार तो सेलिब्रिटीज़ पे अभी पॉकेट नॉवेल लिखे जाने लगे हैं। ठीक है, तो एक नया ट्रेंड है कि किसी सेलिब्रिटी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और उसके बारे में छोटी सी कहानी बना दो पॉकेट नॉवल के थ्रू। तो ये जेनरा चल रहा है काफ़ी, इतना ज़्यादा पॉपुलर हमारे देश में नहीं है, दुनिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन लोग लिखते हैं पॉकेट नॉवल। तो अगर आप भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। पॉकेट नॉवल पब्लिश करने की भी प्रोसेस सेम होती है, पब्लिशिंग प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियो, आप चैनल पर चेकआउट ज़रूर कीजिए। और आपकी क्या राय है कि आप पॉकेट नॉवेल लिखना चाहते हैं या आप जो ट्रेडिशनल नॉवेल्स होते हैं उन पे ही मतलब लिखे लिख उनको ही लिखना चाहते हैं, उन पे कोई ही पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं पे स्टिक रहना चाहते हैं? आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं।